आया।
वाहेगुरु जी की फतेह। आज का ये शुभ दिन धन श्री गुरु हरराय साहब जी महाराज सातवीं पातशाही का प्रकाश पुरब जो सारे ही जगत में बड़े ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। आज गुरुद्वारा साहब ब्रह्मवाला शिक्षा न्यास महाराजा रंजीत सिंह नगर जो एक बहुत ही पुराना दरबार साहब है, तकरीबन 1832 में यहाँ पर संगत निज़ाम के कहने पर महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी फौज भेजी थी, उस समय से यह गुरुद्वारा यहाँ पर सुशोभित है, जिसमें तकरीबन 1200 मकान हमारे यहाँ पर हैं और पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद तेलंगाना से जितने भी गुरुद्वारे हैं सभी गुरुद्वारों से श्री निशान साहब के चौकियाँ आज के इस शुभ अवसर पर साहब श्री गुरु हरराय साहब जी महाराज के प्रकाश पुरब पर सभी चौकियाँ सभी गुरुद्वारों से भी आए हैं। हम इन सभी साध संगत का निशान साहबों का और सभी का यहाँ पर धन्यवाद करते हुए आज के नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाने में इंटरनेशनल जो जत्था है वो भी यहाँ पर शस्त्र विद्या का पहुँचा हुआ है और सभी कीर्तनी जत्थे भी यहाँ पर पहुँचे हैं। हम सभी का धन्यवाद करते हैं, खास करके साहिब श्री हरराय साहब जी महाराज एक बहुत ही मोमदिल इंसान थे, मोमदिल थे क्योंकि जब बाग में वो बागवानी करने के लिए बाग में गए तो उनके जो चोला रहता उस चोले को चोला फंसकर कुछ फूल टूट गए तो उनका दिल इतना पसीज गया कि मेरे से गलती हो गई तो गुरु हरगोविंद साहब से उन्होंने कहा तो गुरु हरगोविंद साहब ने उनको एक सीख दी कि जितना अपना चोला अपन बड़ा रखे उतना जो सो किसी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए अपना जितना अपना गिरेबान है वो संभाल कर रखना है, एक सीख उन्होंने दी। और तब से पर्यावरण के लिए गुरु हरगोविंद साहब ने जो कदम आज से 400 साल पहले उठाए उससे पहले 400 साल पहले से पर्यावरण के लिए जो बागवानी के लिए वृक्ष वगैरह झाड़ वगैरह लगाने का वहीं से उन्होंने सीख दी और तकरीबन हर गुरुद्वारों के पास भी बागवानी ज़रूर की जाती है। मैं फिर एक बार सभी हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई और सभी ईसाई भाई सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और आज के शुभ अवसर पर सभी को मुबारकबाद देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास रणवीर सिंह, जनरल सेक्रेटर गुरुद्वारा साहिब ब्रह्मवाला, आज धन धन साहिब श्री गुरु हरराय साहिब जी महाराज जी का 390वां बर्थडे सेलिब्रेशन प्रकाश पुरब गुरुद्वारा साहिब ब्रह्मवाला विखे सिख छावनी हैदराबाद विखे मनाया गया, जिस विच दूरों पंजाब तो आए रागी सिंह, जसप्रीत सिंह जी, सोनू वीर जी, अते कथाकार यानी विशाल सिंह जी, नाल ही शस्त्र विद्या दे इंटरनेशनल दलेर खालसा जत्था जो कि पंजाब तो आया है, गुरु प्यारी सत्संग जी, सारे ही हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मजहब के सभी लोगों को आज हमारे सातवें गुरु धन धन साहिब श्री गुरु हरराय साहिब जी के जन्म दिहाड़े की प्रकाश पुरब दी सबनों मुबारकबाद, लख लख वधाइयां। नाल ही मैं कहना चाहूँगा कि आज हम हर साल ये प्रोग्राम मनाते हैं, आज ये प्रोग्राम सवेरे तो ही 10 बजे तो ये प्रोग्राम शुरू हो चुका ते 4 बजे तक दीवान चला ते अब नगर कीर्तन, जिस विच सारे ही तेलंगाना के निशान साहब, चौकी साहब इस नगर कीर्तन में पहुँचे हैं, पंच प्यारे सिंह साहिबान, शस्त्र विद्या दे जत्थे ते होर भी रागी जत्थे इस नगर कीर्तन दी रौनक वधानगे। हमारे दोस्त प्यारे सभी इस नगर कीर्तन में शामिल होंगे। हम सबनों गुरु महाराज जी के प्रकाश पुरब दी जन्म दिहाड़े दी सबनों मुबारकबाद देते हैं। ये नगर कीर्तन, इसको जलूस जो आप बोल रहे हैं इसको नगर कीर्तन बोलते हैं हमारे पास। ये नगर कीर्तन, ये नगर की परिक्रमा जैसे गुरुद्वारा साहब से निकलकर
ये नौ नंबर से होकर नंदी मुस्लिम गुड़ा से किशनबाग से वापस सिख छावनी होते हुए गुरुद्वारा साहब ब्रह्मवाला वापस 10 बजे पहुँचेगा। और आगे की आपको बात हमारे गुरुद्वारा साहब ब्रह्मवाला के चेयरमैन साहब ये आपको दो बात बताएंगे। देखिए उसको